Hello students, today we are going to start Maths 1 chapter number 4 Ratio and Proportion. ये lesson start करने से पहले कुछ concept हम लोग clear करते हैं, जिसमें बताया ratio मतलब होता क्या है. Ratio मतलब क्या? Comparison with two quantities. दो quantities होते हैं और दो quantities के बीच में हम लोग कहते हैं compare करते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, और उसको कैसे compare करते हैं? Division के method से. ये शायद तुम लोग 7th 8th में सीखा होगा कि division method से हम लोग क्या करते हैं, दोनों को compare करते हैं. दैट इज कॉल्ड रेशियो. इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं. स्टैंडिंग फर्स्ट क्वांटिटी इज हाउ मेनी टाइम्स दैट द सेकंड वन. मतलब क्या? फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड वन से कितनी है, कितने टाइम्स है. ओके, उसे हम लोग कहते हैं रेशियो. समझ में ना? कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो. समझो, दो क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं डिवीजन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रेशियो. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि अगर रेशियो ए टू बी लिखना है. ए टू बी मतलब का ए का बी के साथ रेशियो, तो कैसे लिखेंगे? ए इज टू बी और ए अपॉन बी. कैसे लिखेंगे? ए इज टू बी और ए अपॉन बी. समझ में? इफ द रेशियो हैविंग सेकंड टर्म, अगर सेकंड टर्म में जैसे यहाँ पे तुम लोग एक नंबर दे 5:100 मतलब ऐसे दिया है, सपोज 5:100 अगर ऐसे दिया है तो ये क्या है? इफ द रेशियो हैविंग सेकंड टर्म 100 देन सच रेशियो इज कॉल्ड परसेंटेज. इसको हम लोग क्या होते हैं? परसेंटेज कहते हैं, क्योंकि हम लोग उसको कैसे लिखेंगे? 5/100 या फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे 500. समझ में ना? सिंपल है. अगर 5 से लोग मल्टीप्लाई करते तो आने वाले नंबर रेशियो में आएंगे ना, क्योंकि दोनों नंबर को हम लोगों ने क्या किया है? सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है. डिवाइड करने के बाद भी क्या होगा? रेशियो जो है, रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म तक जाओगे तो रेशियो तुम्हारा क्या होगा? सेम ही होगा. मतलब यहाँ पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो या सेम नंबर से डिवाइड करो, जो तुम्हारा रेशियो है वो रेशियो रिमेन अनचेंज, मतलब वो चेंज नहीं होगा. ओके, और उसके बाद रेशियो जब हम लोग लिखते हैं या जब हम लोग कंपेयर करते हैं, उसकी क्वांटिटी जो होती है, यूनिट जो होते हैं, यूनिट सेम होने चाहिए. द क्वांटिटीज ऑफ द रेशियो मस्ट बी द सेम काइंड. जैसे केजी है, 5 kg है तो 100 भी केजी होना चाहिए. 5 ग्राम और 100 kg तो दोनों के बीच में कंपेयर नहीं होता. समझ में? अगर आपको 2 cm और 200 m दिया, तो 2 cm और मीटर दोनों के बीच में कंपेरिजन नहीं हो सकता. 2 cm या 200 cm दोनों सेम क्वांटिटी में, दोनों सेम क्वांटिटी में होने के बाद ही क्या होता है? कंपैरिजन होता है. अलग अलग क्वांटिटीज हो गए तो कंपैरिजन नहीं होगा. ये कुछ प्रॉपर्टीज है और इसी बेस के ऊपर हम लोग को 4.1 सॉल्व करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट 4.1. Next is 38 and 57. Ratio of 38 to 57 is equal to 38 divided by 57.
समझ में क्या करना है कि ये दोनों नंबर्स है, दोनों नंबर्स को एक ही नंबर से जब तक तो वो लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, देखो अभी 6 और 5 को लोवेस्ट फॉर्म कर सकते हैं क्या? मतलब ऐसे कोई नंबर्स, ऐसे कोई नंबर है जिससे हम लोग 6 और 5 दोनों को डिवाइड कर सकते हैं? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. अगेन 2/3 नॉट पॉसिबल. अगेन 2/3 नॉट पॉसिबल एंड दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म. अंडरस्टूड? राइट.